लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह अपनी करीब 25 घंटे की जर्नी पूरी करके पहुंच गए थे दिल्ली से कनाडा। अब देखते हैं उसके आगे की कहानी। तो भाई कल जो आपको दिखाया था जो कैब थी उससे आ गए थे हम लोग अपने शहर। हमेशा ठंड बड़ी पसंद रही है, मतलब लगता था कि बर्फ देखें। तो भगवान ने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि ऐसा लग रहा है अलास्का वलास्का में नहीं मूवी दिखाते हैं कि सब गाड़ियां ढकी हुई हैं चल रही हैं धीरे धीरे, बस वही शहर है ये। हालांकि हम लोग के जो जैकेट्स थे वो काम कर रहे थे सही से, बट नाक सर और कान का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। तो रॉजर्स प्लेस करके यहाँ बहुत एक फेमस जगह है जहाँ पर आइस हॉकी वगैरह के मैचेस होते हैं, वो यहाँ पर हमारी विंडो से ही दिखाई दे रहा है। टाइम हो रहा है यहाँ पर अभी 5 बजा हुआ है सुबह का इंडिया में, मतलब कि अभी शाम का 5:30 बजा हुआ होगा। सब धुला रखा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है कैसे करना है। वो तो ये कहो कि मेरे जो कलीग हैं वो हम लोग को मिल्क वगैरह दे गए, बाकी इसका ये सब बुकलेट वहाँ अंदर रखा है वो पढ़ सकते हैं। बट पता तो है अब चालू कैसे करना है। तो लाल होती दिख रही होगी ना, कितनी गर्म हो रही है ना, लाल दिख रही है तुम्हें? हाँ ये दिख तो रही है, दिखा? हाँ क्या नाश्ता किया जाएगा आज? वही मैगी और वो खा के चलते हैं। ब्रेड ऑमलेट भी खा सकते हैं। क्या बोल रहा है? मैंने स्टार्ट दबाया, इसको ऑफ कर दो। ये मेन गेट है, यहाँ से आते हैं। ये हमारा वॉशर और ड्रायर वाला एरिया है, वॉशर और ड्रायर, क्योंकि यहाँ कपड़े तो बाहर फैलाए नहीं जाते हैं, तो ड्रायर और वॉशर के ही भरोसे रहना होता है। ये अपना वॉक इन क्लोजेट है, यहाँ पर भी सब रखा हुआ है, आयरन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब क्लीनिंग का आइटम। एक वॉशरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये है, सामान अभी फैला हुआ है हम लोग का। ये अपना लिविंग रूम हो गया, ये किचन है, किचन बहुत ऑसम है। ये सोफे वोफे लगे हुए हैं, लैम्प है, ये पूरी विंडोज हैं, धूप निकलेगी तो बहुत मज़ा आएगा, पता नहीं कब निकलेगी। ये किचन है, इसको आइलैंड बोलते हैं, ये बीच की जो जगह होती है ना, सिंक है यहाँ पर। ये फ्रिज है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, सामान सारा का सारा है। दूसरा बेडरूम ये है हमारा, यहाँ पर भी एक क्लोजेट है और एक वॉशरूम यहाँ पर भी है। ये हम लोग का टेम्परेरी एकोमोडेशन है अभी, तो अगले 20-22 दिन के आसपास हम लोग यहाँ रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपनी सिम जो है, बहुत मुझे कन्फ्यूजन था कि OTP वगैरह आएंगे कि नहीं, तो मैंने बात भी करी। हालांकि मॉलडीव्स जब गया था तो OTP आते रहते थे, मैसेजेस आते रहते थे, तो बट कॉल नहीं आती थी मॉलडीव्स में, OTP सारे आते थे। तो जब मैंने एयरटेल बात करी तो उन्होंने कहा कि 0 रेंटल प्लान होता है एक, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, बस अपना बिल भरते रहो पोस्टपेड का और चलता रहता है। तो उसके बाद तो अब ये सीन है कि इंडिया के साले फ्रस्ट टू होम लीशियस सब के कॉल आ रहे हैं, कि नॉर्मल कॉल जैसे इंडिया में आते थे प्रमोशन वाले 140 नंबर से जो आते थे वो सारे आ रहे हैं, OTPs वगैरह भी आ रहे हैं बढ़िया प्रॉपर, तो कोई इशू नहीं है। हालांकि हमें यहाँ का सिम लेना पड़ेगा, तो आज देखते हैं क्या रहता है हमारा। आज हम लोग यहाँ पर अभी 5 बजे हुआ, 7:30 हमें कोई पिक करने आएगा, तो वो SIN नंबर यहाँ पर मैंडेटरी होता है बनवाना, तो सोशल इंश्योरेंस नंबर वो बनवाने जाएंगे हम लोग। देखते हैं आज कैसा रहता है। अब सनराइज़ होना शुरू हुआ है, ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू, भाई साहब अलग ही लेवल पे है यार। रॉजर्स प्लेस दिखा रहे हैं यहाँ से, सुबह थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है यहाँ, क्योंकि शाम को जल्दी लोग वापस आ जाते हैं, बंद हो जाता है। बेल, JW मैरियट, अब हम लोगों ने कुछ किसी तरह तो ये सारे जितने इक्विपमेंट हम लोग तो बिल्कुल ही नए से हैं, ज़्यादातर उनको सॉर्ट आउट करके इस लड़की की हेल्प की वजह से हम लोगों ने अपना पहला नाश्ता तो रेडी कर लिया है। ब्रेड अपनी इंडिया वाली भाई, बटर अपना अमूल का। फिर हम पहुंच गए सर्विस कनाडा के ऑफिस में अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर बनवाने।
building here is the very first high-rise in Edmonton. Oh. CN Tower, it's called. CN is a railway. This is Grant MacEwan University. Mm-hmm. It's the second, it's not our big one. University of Alberta is the big one. Yes. But this is all downtown. A lot of two-year courses here. तो ये वो जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं, एनकोर टावर 10180. बिल्कुल ठंड हो रखी है. भाई किचन कितनी बेहतरीन, ये एरिया तो बहुत ही मस्त है. Because यहाँ पर बाई वीकली क्लीनिंग हो सकता है, अदरवाइज वी हैव टू डू द सेल्फ सर्विस. ये शूज हैं क्योंकि बर्फ में ही चलना होता ना, तो शूज अंदर आ गए पहन के तो रग वगैरह गंदा हो जाए. कुछ मेस है बट अभी दिन का व्यू नहीं दिखाया विंडो से, तो दिन का कुछ ऐसा व्यू है. ये मैंने पता किया, ये एक्चुअली हीटिंग सिस्टम, ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये एक्चुअली नहीं, मत खोलो हीटिंग सिस्टम जो होता है उसका धुआं होता है. और ये बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं होता, एडमंटन में बिल्कुल भी पोल्यूशन अलाउड नहीं है. तो ये सारा फिल्टर्ड धुआं है. मैगी हम लोगों की बनके अब रेडी हो गई है. तो फेवरेट होगी. तू खाए? मम्मी पूछ रही है. नहीं अभी बस रखे हैं, खाएंगे. लैपटॉप जो है वो अब आ चुका है. रेडी हो जा बाहर निकलने के लिए, चलना है उसके बाद. बस थिंकपैड है, मुझे लगा मैक वैक होगा. ये आ गया मेरा लैपटॉप. तो हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए एक्चुअली सिम लेने आए थे, तो फाइडो का सिम ले लिया है. प्लान की डिटेल बताऊंगा आपको. अब हम लोग डॉलर में आए हुए हैं, यहाँ पर सस्ती शॉपिंग यहाँ होती है. दिस इज ओनली $2 राइट. मतलब $2 का ये दो है, इसका मतलब है कि ₹60 का एक. तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको मतलब घर वगैरह सेटअप करना है तो आपको सारी चीज़ें, ये स्टेनर है, ये सब मिल जाएगा. अभी हम लोग भी जब घर सेट करेंगे अपना तो यहाँ आएंगे. और बहुत ही कम ही प्राइस है यार. ये क्या है, ये गार्बेज बैग. ओहो नो, दिस इज़ फॉर 125. दिस होल बैग $1.25 फॉर दिस 6 कटोरीज. दिस इज आल्सो $1.50 जिपर बैग साइज. हाउ मच इज दिस? $3.50. क्लीनिंग सप्लाई है सारी, है कचरादानी. $2.50 की है ये, मतलब 150 रुपये की. अरे बहुत सही है यार. ये देखो, जैसे हमें मसाले के लिए डब्बे चाहिए थे जो हम लेके नहीं आए, ओनली $3. और कितना हैवी है ये, शीशे का है. आई वाज लाइक अबाउट टू कैरी $3 ओनली.
मतलब 180 रुपए 180 रुपए अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है क्योंकि हम लोग मेन लेंगे जब हम लोग घर सेट कर रहे होंगे। आलू प्याज यहाँ नहीं मिलेगा, मक्का का है पॉटी करने के लिए। डोरिटोस देखो पाशु भाई, ले लें तुम्हारे लिए फ्राइडे के लिए। हिमाचल वाला पहाड़ वाला आइटम भी मिल गया, पाइन कोन्स। बट इसको खरीदते हैं भाई सजाने, अच्छा क्रिसमस सजाने के लिए ना। हाँ, यहाँ पर नहीं मिलते होंगे ना। 2.50 का है, हो गया तुम्हारा 150 रुपए। हम तो हिमाचल आए थे, हम तो सड़क से ही उठा के ले आए थे सारा कुछ। हाँ, ये 150 रुपए के चार हैं। इतने बड़े बड़े हम लोग अभी मॉइस्चराइजर, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट पे है निकाल लिया था, इसकी वजह से मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल ही मैंडेटरी हो गया था ना, तो अभी ये हम लोग लेके आए हैं। डॉलर हमारा 4.75 लिखा हुआ था, टैक्स लेके 4.99 का पड़ा, तो मतलब वही 300 रुपए के आसपास का भी टैक्स। तो ठीक है, काफ़ी बड़ी बॉटल है, 500 ml की बॉटल है, देखते हैं कैसा है। डब वगैरह सब कुछ है और सही सही रेट में, मतलब इंडिया वाले रेट पर ही है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50 रुपये ज़्यादा होगा बस ना। अब हम लोग आ गए हैं सेव ऑन फूड में। एकदम गम्मत लगा मैं। तो यहाँ शाक सब्जी सब मिल जाएगा। $5 तो हम लोग अब आ गए हैं। बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया वॉक सा हो गया। वॉक तो करते हैं, स्नो पे भी चले हैं। बढ़िया है कि रेगुलर रहेगा ये, यहाँ पर रेगुलर चले बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी आपको जो स्टोर दिखाया था मैंने, मतलब डॉलरमा देखा आपने एक, और फिर अभी सेव ऑन फूड जहाँ गए थे वहाँ भी आपने देखा। तो पहले तो हम लोग एक्चुअली ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कितने का लिखा हुआ है, क्योंकि LB पाउंड और KG में कन्वर्जन लिखा हुआ था, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन थी। बट जो सामान हम लोग लेके आए उसका फाइनली जो बिल आया है तो वो ये है, उसमें आपको बता देता हूँ क्या हिसाब किताब है। 3 pound अनियन, मतलब कि वही 1.5 kilo प्याज थी जो, वो पड़ी $3.50 की। डव का शैम्पू $6.90 का था, और कार्ड जो मतलब सेव ऑन फूड का मैंने कार्ड ले लिया उनसे, फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड था, बट वो कार्ड लेने के बाद $1.90 का सीधे ऑफ मिल गया। बैगन एक जो है वो $3 का है, 180 रुपये का बैगन है वो। गार्लिक 5.49, जिंजर तो सिर्फ 0.62, $1 का भी नहीं है। हाँ, पंजाबी पनीर 5.89 का पड़ा। मिल्क जो था 2.69, फिर इकोलॉजी और डिपॉजिट, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हुई हैं, मतलब 0.06 और 0.1। टोमेटोज पड़े 4.31 के, आटा था 6.99 का पड़ा, सही है, और पोटैटो जो थे $4.2 के थे। तो टोटल अल्टीमेटली हमारा जो बिल था वो 41.8 था। तो जो आपको दिखाया था कि हमें $100 की करेंसी मिली थी, फिजिकल करेंसी, तो उसको अभी फाइनली चेंज करा, क्योंकि $100 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कहीं पर काम ही नहीं आ रहा था, तो फिर अब जाके ये चेंज मिला है। ये $5 है इसका, बहुत बढ़िया मटेरियल का है। ये 50 हो गया, और फिर $1 सेंट्स वगैरह के सिक्के हैं। हेलो, हम लोग अपने अपार्टमेंट से निकल लिए हैं, मोनीश के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जाना है, मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है ना, मतलब 3 बज गया है तो उसके बाद भी ठीक लग रहा है मौसम। पे पार्किंग है ना, अजन ने उस दिन यहीं तो लगाई थी। कल हम लोग गए शॉपिंग वगैरह करके आए, कॉस्टको गए जो यहाँ का सबसे फेमस सुपर स्टोर्स में से एक है, और उसके बाद फिर हम लोग गए मार्क्स। हालांकि हम लोगों ने मार्क्स में कुछ नहीं लिया, कॉस्टको में हम लोगों ने क्लीट लिए। क्लीट वो होते हैं जो शूज़ के नीचे रबर की चटाई सी होती है, उसमें नेल्स होते हैं, तो जब ज़्यादा बर्फ गिर जाएगी और कहीं जाना होगा तो उसको हमें शूज़ में लगाना होगा। उसके बाद फिर हम लोग एंड में गए वॉलमार्ट। तो अभी इन सब चीज़ों का अलग से वीडियो नहीं बनाया है मैंने, बट इनके वीडियो में आगे जाके अलग अलग डिटेल बनाऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ कितने मिलती है, क्या क्या मिल जाता है। यहाँ गांजा एकदम खुलने मिलता है,
कहना कब आना, वो फ्री में मतलब फ्री में क्या ओपनली मिलता रहता है। हाँ लेकिन शायद इंडियन भी है ना। मतलब कुछ कुछ इंडियन स्टोर्स हैं, जैसे हम लोग कल गए थे तो क्या नाम था उसका, एशियन इंडियन क्या था जहाँ गए थे कल खाने, न्यू एशियन विलेज, न्यू एशियन विलेज करके था वहाँ। तो बुफे था $29 का था वीकेंड में, वीकडे में $26 का पैरेट रहता है भाई। लेकिन क्या गजब का खाना था, ऑथेंटिक इंडियाज फ्रेश किचन टिफिन, ये है रेस्टोरेंट। तो ये तो मतलब बिल्कुल घर से निकलते ही सीधे आ गया है। ये देखो आगे सिग्नल जो ग्रीन हुआ ना, उसका यहाँ पर पैदा वालों को भी वेट करना होता है। आज अच्छी मतलब गर्म है, सारी बर्फ पिघल गई है, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। हाँ अभी तो 4-5 दिन हो गया बर्फ गिरे। ये यहाँ की ETS एडमंटन ट्रांजिट सर्विस बस है, इसका भी पासेस वगैरह हम ले सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर हमारे पास कार नहीं है और काफ़ी लंबा लंबा जाना है तो ETS के हमें पासेस लेने पड़ते हैं। अभी भी ग्रीन नहीं है, अब ग्रीन हो गया तो हम चल सकते हैं। अलग ही दिखेगा पूरा ढका हुआ। ये हम लोग एरिया कौन सा है, ये जगह कौन सी है, ये डाउनटाउन है, डाउनटाउन है, पर ये रिवर व्यू है, क्या बोलते हैं इस जगह को, और रिवर का नाम क्या है, नॉर्थ सस्केचुआन, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग। ये यहाँ का प्रॉपर रिवर व्यू वाली जगह है ये, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि अभी पूरी फ्रोजन है रिवर। डाउनटाउन वाला पूरा एरिया